मालविका आओ बेटा। आ गया तुम्हारा घर, जय आओ। अरे सुनीता मम्मी चलिए, कहाँ रह गए और कितनी शादियां करवाओगे? सुनीता भाभी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। लाखों में एक बहू ढूंढ कर जो दी है मुझे। अजीब से रोने की आवाज कैसी? भाभी जी एक काम कीजिए, गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, मैं देखकर आता हूँ कौन रो रहा है। मैं आई। अच्छा चलो चलो, गृह प्रवेश में देर हो जाएगी, चलो आप। जल्दी करो, अरे दुल्हन का गृह प्रवेश कराओ ना जल्दी। बस आई भाभी, वो थाल तैयार नहीं थी ना। मैं घर के चारों तरफ देख कर आ रहा हूँ, मगर मुझे कोई भी बच्चा रोते हुए नहीं दिखाई दिया। पर फिर भी ये रोने की आवाज कैसी? सुनीता भाभी जाने दो। अब आलते में पांव रखकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर। एक साल से मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम शादी के बाद इतनी चेंज हो जाओगी, इतनी ट्रेडिशनल हो जाओगी। मैं घूम गई, हाथों में चूड़ियां, पैरों में आलता, बैग। क्या हुआ जय? वहां कुछ भी नहीं है,
चलो उठो तुम, आ जाओ, तुम बस सिर्फ थक गए हो, आ जाओ, लेट जाओ। यार कुछ भी नहीं है जय, कम मालविका, कितनी रात गए तुम ऊपर क्या कर रही? जाओ नीचे जाकर सो जाओ। मालविका, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मालविका, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मालविका नहीं, चुटकी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मुझे कोई नहीं पहचानता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काफी, मुझे छोड़ दो चिट्ठी। तुमने मुझे पहचान लिया सुनीता काली? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे कोई नहीं पहचानता। क्यों मुझे कोई नहीं पहचानता? Thank you.
सुनो जी, सुनीता भाभी कहीं नहीं दिखाई दे रही, सुबह से ढूंढ रही हूँ, छत पर भी देख आई हूँ। तो भाई फोन करके पूछ लो कहाँ चली गई है। सुबह से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, फोन भी नहीं लग रहा। देखो जय, सुनीता भाभी को तो तुम जानती हो, हड़बड़ा कर कहीं चली गई होंगी और बताना भूल गई होंगी, और हो सकता है कि रास्ते में कहीं ऐसी जगह पे हो जहां फोन का सिग्नल ना हो, इसलिए तुम्हारा फोन लग नहीं रहा। तुम बेकार में परेशान हो। पर ये बात ठीक नहीं है। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग। कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये तो मेरे बचपन के हैं, मेरी माँ ने मुझे दिए थे। भूल गई क्या? ऐसे क्या देख रही हो? पहचाना नहीं मुझे? अरे तुम सास बहू अपनी बातों का पिटारा फिर खोल लेना। जय अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर आ चुका है, तुम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है ना? नहीं तो जल्दी से कर लो। शादी कितने जल्दी से हम लोगों को बुलाया? सॉरी बोलूंगा, इतना सब कुछ जल्दी में हुआ कि बताने का टाइम नहीं मिला। चलो भाभी से मिलाता हूँ। मालविका, मालविका देखो तुमसे कौन मिलना है। Hi. ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। नमस्ते। हाय। हाय। ये है तुम्हारी प्यारी सी भाभी और हमारी प्यारी धर्मपत्नी। और एक बात बताऊं, मालविका बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसलिए सबको मालविका के हाथ का खाना खा के जाना होगा। आइसक्रीम मेरे लिए? हाँ। मालविका, मालविका क्या कर रही हो? मालविका क्या मजाक है? इतना नहीं खींचना। मालविका, मालविका वो दरअसल मालविका को आइसक्रीम का बहुत शौक है। वो जब भी आइसक्रीम देखती है ना तो बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करने लगती है। बड़ी मासूम है मालविका। मालविका आइसक्रीम बाद में खा लेना, पहले सबसे मिल। मालविका सुनो ना। कोई बात नहीं भाई, हम बाद में आते हैं, ये भाभी जी के लिए। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। ओके चल, बाय बाय बाय। तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ उससे। जी माँ। मालविका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब क्या चल रहा था? देखो मालविका, मैंने बाहर गेस्ट के सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से तुम बिहेव कर रही थी, हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है बेटा? मालविका,
मालविका बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो जवाब दो मालविका। मालविका नहीं, पहचाना नहीं मुझे? बंद करो, बंद करो अपना ये नाटक, तुम मुझे डरा नहीं सकती। कैसे नहीं पहचाना मुझे? जरूर मालविका को किसी ने पुरानी बातों के बारे में बता दिया होगा, तभी वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर उसे सच का पता चल गया तो भगवान, कौन है, कौन रो रहा है वहां? हाँ? किसके रोने की आवाज आ रही? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर।